आप सभी का उमंग मैथ अकेडमी बाय सुनील सर के चैनल पर वेलकम है। आज हम डिस्कस करेंगे ये आपका यूपी टीजीटी 2021 का पेपर सॉल्व कराएंगे आपको टिक द्वारा। आपको लगभग 100 क्वेश्चन हम टिक से सॉल्व कराएंगे, तो आपको देखते ही तुरंत आंसर आप मार सकते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, लिखा कि फार आर रियल एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 - x प्लस आपका एक्स स्क्वायर अपान में आपका लिखा 1 + x प्लस आपका एक्स स्क्वायर, इसकी निकालनी है। देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा है मिनिमम वैल्यू खातिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए अगर मैक्सिमम हो तो आपका -1 x के पुट करेंगे, और मिनिमम खातिर हम क्या करेंगे, एक्स बराबर आपका 1 पुट करेंगे। यहाँ लिखिए पुटिंग एक्स इक्वल टू आप 1 पुट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। इसमें देखिए रखें क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका 1 - 1, यहाँ एक्स जो रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर अपान में देखिए आपका 1 + x, एक्स के आप 1 करिए और ये हो जाएगा आपका ये भी आपका 1, यहाँ देखिए आपका 1 का स्क्वायर है आपका, ये भी आपका 1 का स्क्वायर। देख क्या हो जाएगा आपका 1 - 1 + 1, नीचे देखिए आप क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, इससे देखिए आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या बचेगा, नीचे आपका 3 ऊपर आपका 1, यानी 1/3, यही आपका आंसर। इसमें देखिए ऑप्शन आपका फर्स्ट प्लस सही है। ओके चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इसकी वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है मैक्सिमम मिनिमम की, जाके देखिए बेहतरीन टिक आपको मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट वाले, देखिए आपका नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन है, ये आपका लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड टू इनफिनाइट लिखा है। यहाँ जो लास्ट में देखिए आपका एन स्क्वायर है और यहाँ पर आपका अपान में आपका एन क्यूब है। यहाँ देखिए जो पावर आप इसकी है, इसकी पावर और इसकी पावर, इसका डिफरेंस ऑलवेज अगर 1 आता है 3 - 1 = 1, अगर डिफरेंस आपका 1 आता है सीधे आप क्या करिए, यहाँ पर लिखिए इक्वल, यहाँ देखिए आपका 1/ करिए और यहाँ जो ये पावर है आपका 3 कर दीजिए यहाँ पर, यही आपका आंसर। इसमें देखिए ऑप्शन आपका सेकेंड वाला सही है। ओके देखिए यहाँ पर लिखा कि द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ये आपका दिया है मॉड में आपका एक्स स्क्वायर माइनस आपका 3 मॉड में आपका एक्स प्लस आपका 2 = 0। अगर इस तरह कभी भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, यहाँ पर अगर आपका माइनस हो, यहाँ पर आपका माइनस हो मॉड के अंदर, जैसे यहाँ मॉड में दिया है, तो इसकी जो आपकी रियल नंबर कितना हो जाएगी, आपकी रियल नंबर आपकी 4 हो जाएगी। यहाँ पर अगर आपका निगेटिव हो तो ओके, अगर यहाँ पर आपका निगेटिव हो तो आपका सीधे आप 4 मार सकते हैं, अगर यहाँ पर पॉजिटिव तो इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। ओके तो इसकी नंबर कितनी आ जाएगी, आपकी 4 आ जाएगी। इसमें जो ऑप्शन देखिए आपका ये 4 वाला सही है, और अगर यहाँ पर माइनस है तब यहाँ पर आपका 4 आएगा। ओके चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। ये देखिए आपका नेक्स्ट ये आपका दिया है, लिखा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ब्रैकेट में आपका साइन 2π/3, ये आपका दिया है। देखिए यहाँ पर आप लिखिए साइन इनवर्स और ये हो जाएगा ब्रैकेट में आपका साइन 2π/3, इसको ब्रेक करिए यहाँ पर अलग कर इस तरह, तो देखिए इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं पाई प्लस आपका π/3। तो ये आपका कितने पर रहा, सेकेंड पर रहा, सेकेंड में जब पड़ता है तो यहाँ पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ता है तो आपका ये सेकेंड साइन की वैल्यू क्या होती है, आपकी पॉजिटिव होती है, यहाँ पर आपका साइन π/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप रख दीजिए, यहाँ लिखिए साइन इनवर्स और ब्रेकेट में आपका साइन π/3, इससे देखिए आपका ये कैंसिल हो, क्या बचा आपका π/3। इसकी भी हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है, जाके देखिए बेहतरीन टिक आपको मिलेगी। इसमें जो देखिए ऑप्शन जो आपका है थर्ड वाला सही है। चलते नेक्स्ट वाला देखिए आपका क्वेश्चन 5 वाला, लिखा कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद आपका ए वेलोसिटी ए सो दैट इट इज रेंज एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन इज
ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट एट एंड लिखा है आपका है रेंज, हमें रेंज फाइंड करनी है। तो देखिए आपका जो ये दिया है आर इक्वल टू देखिए आपका जो आपका रेंज आपका आर है टू आपका टू एच यानी आपकी देखिए एच आपकी हाइट है और आपका आर आपकी रेंज है। तो इसका जो आपका ट्वाइस दिया तो आर इक्वल टू आपका टू एच दिया है, ये आपका रिलेशन होता है। लिखा आपका आर इक्वल टू आपका लिखा फोर एच काट थीटा होता है। तो यहाँ पर आप रख दीजिए, जब यहाँ पर आप रखेंगे आपका टू एच है आपका और ये आपका फोर एच काट थीटा है। देखिए इससे आपका ये कैंसिल हाइट से हाइट कैंसिल हो जाएगी आपकी, बचेगा आपका यहाँ पर टू, तो काट देखिए आपका ये बचेगा वन इक्वल टू आपका टू काट थीटा। यानी आप काट थीटा बचे तो आ जाएगा देखिए आपका है काट थीटा इक्वल टू आ जाएगा वन अपान टू, तो आपका टेन कितना हो जाएगा टेन थीटा टू हो जाएगा, अपान में आप वन कर दीजिए। देखिए जब इसकी हम निकालेंगे रेंज तो क्या हो जाएगा आर इक्वल टू आपका होता है यू स्क्वायर या आपका साइन टू टू थीटा होता है। तो यहाँ देखिए आप इसे ओपन कर दीजिए, देखिए आपका हो जाएगा टू यू स्क्वायर या आपका साइन थीटा इंटू आपका कास थीटा अपान में आपका जी अपान में आपका जी। तो देखिए इससे हम निकालेंगे एक एंगल बनाकर, यहाँ देखिए हम क्या है इससे निकालेंगे आपका टू और ये आपका वन, इससे आपका निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका ये आपका पाइथागोरस आप निकालेंगे तो आपका फाइव हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका जो साइन है साइन थीटा निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका टू अपान रूट में आपका फाइव हो जाएगा और कास निकालेंगे आपका हो जाएगा वन अपान रूट में आपका फाइव हो जाएगा। अब यहाँ पर आप रख दीजिए, देखिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर जब रखेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर टू ये आपका यू यू और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका टू और यहाँ पर जब आप रखेंगे यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये साइन कैल्यू रखें आप साइन कैल्यू क्या आई आपकी है टू अपान रूट में आपका फाइव, ये आया आप आपका वन अपान रूट में आपका फाइव अपान में आपका क्या है जी है। तो आर इक्वल टू देखिए इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा फोर यू स्क्वायर अपान देखिए रूट गायब हो जाएगा आपका फाइव हो जाएगा सिर्फ, ये आपका आंसर मिल जाए आर इक्वल टू आपका आया फोर यू स्क्वायर अपान आपका फाइव जी, यही आपका आंसर होगा। इसमें जो ऑप्शन आपका है फोर वाला सही है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है लिखा कि द एरिया ऑफ कट ऑफ द पैरागोला ये आपका लिखा फोर वाई इक्वल टू आपका थ्री एक्स स्क्वायर बाई आपका लिखा स्ट्रेट लाइन आपका लिखा टू वाई इक्वल टू आपका थ्री एक्स प्लस आपका ट्वेल्व इंच ये आपका दिया है। तो इसे देखिए आप हमने इसे किस तरह बनाइए आप यहाँ देखिए यहाँ जो आपका कांस्टेंट इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पर इससे तो आपका हो जाएगा फोर अपान थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका फोर अपान थ्री अपान वाई, इससे जो कंपेयर करेंगे जो जनरल इक्वेशन हो जाए पैरागोला का तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा वन अपान थ्री आ जाएगा। और यहाँ देखिए आपका इसे भी आपका इसे टू से मल्टीप्लाई करिए हमें वाई बराबर वाई इक्वल टू आपका जो होता है एम एक्स प्लस सी इससे कंपेयर हम करेंगे तो आपका एम की वैल्यू कितनी आई थ्री अपान टू आ जाएगी। अब ये आपका ट्रिक वाला फार्मूला होता है, अगर इस तरह अगर आपको दिया हो तो आपका देखिए सीधे जो एरिया आपकी निकलेगी ये आपकी 72 ए स्क्वायर और एम क्यूब आएगी। तो यहाँ पर आप रख दीजिए आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ जब आप रखेंगे देखिए ये हो जाएगा आपका इसे देखिए आप रखिए ये आपका हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा आपका ए की वैल्यू कितनी है वन अपान इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका जो एम की वैल्यू है इसका क्यूब कर दीजिए ये। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 1 अपान 9 ये हो जाएगा आपका इसका करेंगे आपका क्यूब है आपका है 27 अपान आपका 8 हो जाएगा। देखिए इससे जब आप कैंसिल करेंगे यहाँ पर इससे देखिए आपका ये कैंसिल हुआ कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 3 और 3 हो गया और इससे जब आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका देखिए ये हो जाएगा आपका 9 और इसमें जो देखिए मल्टीप्लाई आप करेंगे कितना आ जाएगा आपका
ए इक्वल टू आपका आ जाएगा 72, क्या 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 27, ये आपका है स्क्वायर यूनिक होता है आपका है। तो यही आपका आंसर हो गया। इसमें देखिए जो ऑप्शन आपका है ये 4 वाला सही है। कितना आपका 27, कितना आएगा आपका 27। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला ये कह रहा है कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका दिया है जेड, द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये मार में लिखा है जेड प्लस वन प्लस, और दूसरे के मार में आपका लिखा है मार्ट जेड जेड माइनस टू इच, इसकी निकालनी है। तो यहाँ देखिए आप सिंपल तरीका यूज करिए, यहाँ पर आप क्या करिए जेड बराबर आप जीरो पुट कर दीजिए, तो क्या बचेगा आपका वन यहाँ बचेगा, और यहाँ आपका क्या बचेगा माइनस टू, और इसको जब करेंगे वन प्लस टू इक्वल टू आपका 3। इसमें ऑप्शन मारिए फटाफट। ओके, इस पर भी वीडियो हमारी बन चुकी है, जाके आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा कि द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई द कर्व, ये आपका दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका एक्स, और दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका वाई। तो ये आपका ट्रिक वाला फार्मूला होता है, अगर आपको इस तरह दिया हो तो सीधे आप क्या लिख सकते हैं एरिया 1/3, यहाँ जो आपका कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो यहाँ पर आपका कांस्टेंट सीधे आपका खाई कांस्टेंट है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक 1/3 लिख कर। तो यहाँ देखिए आपका है 1/3 लिखिए यहाँ पर, एरिया जब निकालेंगे तो यहाँ देखिए आपका 1 है, यहाँ भी आपका 1 है, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपका 1/3। इसमें जो ऑप्शन जो आपका देखिए फर्स्ट वाला सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये आपका है काफी अच्छा है। लिखा कि द वैल्यू ऑफ, ये आपका दिया है और इसमें हम पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू आपका 2 और जेड इक्वल टू आपका 3, इसमें पुट कर दे आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपका हो जाएगा देखिए 1 माइनस आपका 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका देखिए, ये देखिए आपका क्यूब है, यहाँ देखिए आपका ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 3 का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका जेड माइनस यानी 3 माइनस आपका 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 3 माइनस 1 का क्यूब, ये देखिए क्यूब है, सब आपका क्यूब है। अपान में देखिए क्या है आपका है, ये आपका 9 है, ये देखिए आपका 1 माइनस 2 और 2 माइनस 3 और आपका हो जाएगा देखिए 3 माइनस 1, ये आपका है। तो देखिए ऊपर देखिए आपका बचेगा, ये देखिए आपका यहाँ पर माइनस, देखिए माइनस आपका 1 का क्यूब क्या होता है आपका माइनस 1 होता है, माइनस 1 का क्यूब माइनस होता है, तो आपका माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस 2, इसका देखिए क्यूब हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये आपका 9 है, यहाँ देखिए आपका माइनस 1, ये भी आपका माइनस 1, ये आपका 2 बचेगा। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, आपका ऊपर सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 6, नीचे आपका हो जाएगा ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका 2 है, इससे करेंगे आपका 3 हो जाएगा, इससे कर लेंगे आपका कितना आ जाएगा देखिए ये आपका 2 आएगा, इससे करेंगे आपका 3 हो जाएगा, तो आपका 3/9 ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, इसका आंसर देखिए आपका ये वाला सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन है, लिखा कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये लिखा 4 cos थीटा प्लस आपका 3 इच, ये आपका दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए आप जो भी यहाँ पर रखेंगे, यहाँ देखिए आपको पता है कि cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है आपकी, माइनस 1 होती है। तो यहाँ पर आप रख लीजिए, ये आपका देखिए क्या हो जाएगा आपका इसकी वैल्यू कितना रखेंगे माइनस 1, तो आपका कितना हो जाएगा माइनस 4 प्लस आपका 3, आपका आ जाएगा आंसर माइनस 1। इसमें जो ऑप्शन आपका है फर्स्ट प्लस है, सेकेंड वाला आपका सही है। लिखा कि विच द वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट, ये आपका मीजर लिखा आपका सेंटर टेंटी नहीं, आपका नहीं है, जिसमें जो आपका नहीं है तो आपका देखिए ये आपका होता है, ये भी आपका होता है, ये भी आपका होता है, ये आपका नहीं होता, तो इसमें जो ऑप्शन आपका है सेकेंड वाला सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका नेक्स्ट ये आपका दिखा है कि लिखा कि सम ऑफ बीकम, ये आपका डबल इसका है
फाइव ईयर इन द आपका सी आई लिखा आपका व्हेन विल इट बिकम एट टाइम, यानी एट टाइम का मतलब होता है कि आठ गुना एट द सेम रेट ऑफ इंटर, देखिए इंटरेस्ट हमें निकालनी है। तो आप क्या करिए, सिंपल तरीका ये आपका फाइव ईयर दिया है, यहां देखिए जो टाइम आपकी दी गई है इसका जो एट है इसका हम किस तरह लिख सकते हैं, टू की पावर थ्री, टू की पावर थ्री जो आपका पावर है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर मिल जाएगा। आपका है ये आपका फाइव मल्टीप्लाई आपका देखिए आपका थ्री है, इसमें मल्टी कराएंगे आपका कितना आ जाएगा आपका फिफ्टीन, फिफ्टीन ईयर्स आपका आ गया, यही आपका आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन आपका साल ये होगा, इस पर कई वीडियो बन जाएगी आपकी। तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन आपका है सेकेंड वाला सही है। ओके चलते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट ये आपका एक क्वेश्चन दिया है, देखिए लिखा कि द वैल्यू ऑफ एन, हमें एन की वैल्यू बतानी है। ये आपका लिखा वॉच फॉर फॉर आपका विच लिखा है ए की पावर एन प्लस वन प्लस आपका बी की पावर एन प्लस वन इज, ये आपका हार्मोनिक मीन ए एंड बी हमें निकालना था। ये आपका ए है और ए एंड बी आपका लिखा इज। तो यहां देखिए आपका जो ऑप्शन है इससे हम निकालेंगे, देखिए ऑप्शन हमने फर्स्ट चॉइस किया और इसमें देखिए n इक्वल टू हमने माइनस वन पुट कर दिया, हमें देखिए यही चीज आपको निकालनी हार्मोनिक मीन, यही चीज अगर आपकी आ जाएगी तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाए। तो n बराबर हमने माइनस इसमें पुट किया तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए माइनस प्लस वन ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस वन अपान में आपका देखिए इसका पावर आपकी माइनस वन, इसकी पावर आपकी माइनस वन ए की, ए और बी की। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसकी आपकी जीरो हो जाएगी आपकी, ये भी आपकी जीरो हो जाएगी और हमें पता है कि इसकी जीरो की वैल्यू कितनी होती है, आपकी वन होती है। तो आपका हो जाएगा यहाँ वन अपान ए हो जाएगा आपका, ये वन अपान बी हो जाएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू वन आ गई तो वन प्लस वन और अपान में देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, ये हो जाएगा आपका ये और ये आपका ऊपर चला जाएगा तो आपका आ जाएगा टू टू ए बी अपान में आपका ए प्लस बी। तो देखिए आपका हार्मोनिक मीन आ गया, इसमें जो ऑप्शन जो आपका फर्स्ट वाला सही है। तो ये आपका सॉल्व हो गया, इस पर भी वीडियो हमारी बन चुकी है, जाके देखिए ए पी जी पी का, ये आपका सॉल्व हो गया। देखिए आपका यहाँ लिखा कि राम इन द थ्रो ए बॉल, ये आपका वर्टिकल लिखा है, वर्टिकली ठीक वर्टिकली टू द ए मैक्सिमम हाइट ऑफ द फोर मीटर देन ए कैन थ्रो द बॉल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हमें क्या निकालना है विच मैक्सिमम डिस्टेंस। तो आपको देखिए आपका ये गीवन दे दिया है, क्या है आपका गीवन जो आपका दिया है, ये हाइट आपकी दी गई है 40 मीटर आपकी दी, कितने देखिए आपकी आपका है ये है देखिए आपका, इसमें मिस्टेक हुआ है, ये आपका 40 है और ये आपका जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो आपकी होती है इसका जो आपका मैक्सिमम रेंज जो आपकी होती है ये होती है आपकी 2h होती है ठीक, ये आपकी 2h होती है। तो यहाँ जो आपकी हाइट दी है इसमें देखिए हाइट आप रख दीजिए आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपका कितना आया 2 मल्टीप्लाई आपका 40, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना हो जाए 80, यही आपका 80 मीटर आपका आंसर मिल गया। इसमें जो ऑप्शन आपका देखिए 4 वाला सही है, इजी तरीका है, इस पर भी वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है, आपको मिल जाएगी जल्दी सी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ये देखिए आपका नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन है, लिखा कि इफ आई इक्वल टू देखिए आपका होता है रूट में आपका माइनस वन होता है देन हमें वन प्लस आई की पावर फोर माइनस आपका वन माइनस आई की पावर फोर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, फाइंड करनी। अब देखिए यहां पर जो आपका दिया है इसका आप मार ले लीजिए और इसका भी मार आप ले लीजिए। तो देखिए आपका जो मार इस तरह आप लेंगे इसका तो आपका कितना आ जाएगा रूट में आपका टू हो जाएगा, अगर आपका माइनस भी है तब भी आपका इसका रूट में आपका टू हो जाएगा। तो देखिए आपका सेम सेम यहाँ पे आपका माइनस है सेम सेम, अगर बीच में आपका माइनस है तो आपका इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी, इसमें जो ऑप्शन आपका सेकेंड वाला सही है। ओके चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ये देखिए आपका नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन है, लिखा कि इफ
ए आपका लिखा है जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, ए आपका लिखा है यूनिट लिखा है, मॉडुलस लिखा है आपका, आर्गुमेंट लिखा है आपका है, थीटा आपका दिया है, ए आपका दे दिया है। तो यहाँ देखिए आपका जो आपका जेड बार होता है ये आपका 1/z होता है, तो यहाँ पर आप रख दीजिए इस तरह लिखिए, और यहाँ पर देखिए आपका 1+ ये आपका जेड है, यहाँ देखिए आप इसके जो जेड बार है आप इस तरह कर दीजिए, और देखिए जब क्या बचेगा आपका, ये बचेगा देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, आपका ऊपर चला जाएगा आपका जेड बचेगा, या आपका ब्रैकेट में आपका इस तरह लिख सकते हैं, नीचे आपका सेम वही बचेगा, इससे देखिए आपका कैंसिल होगा, क्या बचेगा आपका आर मिनट मिटेगा, तो आपका ये आपका जेड बचेगा, इसकी वैल्यू कितनी आपकी दी गई, थीटा दी गई है, तो यहाँ पर आपका थीटा हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही है। ओके, यहाँ देखिए आपका ये आपका एक माइनस है ऑप्शन, तो ये आपका देखिए थीटा आपका आएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ये आपका सॉल्व हो गया है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आपका लिखा कि द फाइन द वैल्यू ऑफ एस ए सच दैट, ये आपका वेक्टर दिया है, 3 वेक्टर आपका लिखा, कह रहा है आपका कोप्लेनर है, जब कोप्लेनर दिखा तो यहाँ एक डिटरमिनेंट बनाइए इस तरह, अब इसमें वैल्यू आप पुट के इसके इक्वल टू आप 0 कर दीजिए, हमें देखिए इसमें देखिए ए की वैल्यू फाइन करनी है, तो यहाँ देखिए जब इसकी वैल्यू यहाँ रखिए, ये देखिए आपका 2 है, 2 - 1 आपका 1, यहाँ देखिए आपका 1 और ये आपका 2, ये आपका -3 और यहाँ पर देखिए आपका ये आपका 3, ये आपका ए और ये आपका प्लस का नाम आपका 5 है, इसे 5 आप बना लीजिए। अब इसी डिटरमिनेंट में हल कर दीजिए, जैसे डिटरमिनेंट आप हल करते हैं उसी तरह हल कर दीजिए, ये आपका 5 है, तो देखिए आपका 2 हमने किया, इसका मल्टीप्लाई आप क्या 10 हो जाएगा, और इसमें करेंगे आपका ये देखिए आपका माइनस है तो आपका +3a हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए आपका निगेटिव, यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, अब ये आपका देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए आपका 5 और इसमें करेंगे आपका प्लस आपका 9 हो जाएगा, और ये आपका 1 और यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए आपका ए हो जाएगा और इसमें करेंगे आपका -6 आ जाएगा और इक्वल टू 0 है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ए इक्वल टू आपका -1, इसमें जो ऑप्शन आपका देखिए ये सही। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट ये कह रहा है कि आपका द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए सर्किल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 दिया है, क्या दिया आपका है 10 दिया है, जो आपका दिया है 10 दिया है, इसकी हमें निकालनी है, यहाँ इसे इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए आप, इसका फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा 2 × 5, यहाँ पर आप 10 लिखिए, अपान देखिए आपका 1 है या 2 है, यहाँ देखिए 1/2 कर दीजिए और यहाँ पर आपका देखिए 1/5 कर दीजिए, ये आपका इस पर भी वीडियो हमारी बन चुकी है, जाके देखिए बेहतरीन ट्रिक आपको मिलेगी। तो देखिए क्या करेंगे आपका, ये हो जाएगा आपका देखिए 10, ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये आपका देखिए हो जाएगा इसमें करेंगे तो आपका 4/5, तो देखिए इससे आपका ये कैंसिल होगा, कितना बचा आपका 4 बचा, यही आपका आंसर, इसमें देखिए ऑप्शन आपका 3 वाला आपका सही है। ये वाला क्वेश्चन देखिए आपका है, लिखा आपका 1+ देखिए आपका है, ये आपका देखिए क्या है आपका 1+ आपका i और रूट में आपका 2 और इसकी पावर एड दी गई है और इसका ये निगेटिव, यहाँ पे देखिए आपका पॉजिटिव था, ये आपका निगेटिव सेम वही तरीका, यहाँ पर 1 - i अपान में रूट और इसकी भी पावर आपका क्या है 8 है, कितनी पावर आपकी 8 है। अभी देखिए इसकी वैल्यू क्या है, अभी हमने बता दिया इसका जब हम मार लेंगे 1+i का तो आपका रूट में आपका कितना आया 2 और ये भी आपका जब इसका करेंगे माइनस वाला के इसका करेंगे आपका मार लेंगे तो आपका आ जाएगा रूट में 2, यहाँ पर आप रख दीजिए और यहाँ पर देखिए आप नीचे भी आपका सेम है और यहाँ भी आपका सेम आकर नीचे भी आपका सेम है, ये आपका हो गया, ये देखिए इससे आपका एक कैंसिल क्या बचा आपका 1^8 प्लस वो आपकी 1^8, ये हो जाएगा आपका 2, आपका कितना है 2, इसमें जो ऑप्शन आपका है सेकेंड वाला सही है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन आपका है,
देखिए लिखा है कि सम ऑफ सीरीज, ये आपका 2 लिखा प्लस आपका 3/2 प्लस आपका 1 प्लस आपका 8 इक्वल टू आपका इन्फिनाइट। इस तरह देखिए ये आपका एपी में है, एपी में हमें इसे बनाना है तो काफ़ी टाइम लग जाएगी। तो अगर इस तरह कभी अगर एपी कोई सीरीज नहीं अगर आपको निकल रही है तो आप सीधे तरीका का करें, जो आपका अपान में उसमें आप माइनस करें, अपान में जो है ये आपका 8-2 कर दीजिए, आपका 6, यही आपका आंसर, इसमें ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही है। इजी तरीका है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा। हमारी हर क्वेश्चन पर ट्रिक बन चुकी है लगभग, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। तो देखिए आपका ये सॉल्व हो गया, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। लिखा कि आपका द ये आपके दिया है, हमें बताना है एन की वैल्यू, ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे तो आप अगर ये सभी को याद होगा इसमें तो ऑप्शन आपका 4 वाला सही है, लेकिन इसको भी देख लीजिए कैसे हम लगाते हैं। देखिए ये आपका दिया है 1+, देखिए 1+i, नीचे में आपका 1+ आपका -i दिया है। हम देखिए क्या करते हैं, इसको ब्रेकेट इस तरह लगाइए और यहाँ पर जो आपका है ये, इसमें हम क्या करेंगे, हमने किया जो आपका ये दिया है तो इससे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने प्लस, देखिए प्लस 1+ हमने आई कर दिया और नीचे भी आपका 1+ हमने आई कर दिया और यहाँ पर देखिए इसकी पावर क्या है, आपकी एन है और इसके इक्वल टू आपका 1 है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 1 1-1 प्लस आपका ये 2i हो जाएगा। नीचे देखिए आपका है 1+1 आपका माइनस है तो कितना हो जाएगा आपका 1+1 हो जाएगा और इसकी पावर आपकी 1 है, इक्वल टू आपका 1 है। देखिए ये आपका बचा, इससे आपका एक कैंसिल बचेगा, सिर्फ आपका यहाँ बचेगा 2i अपान में आपका 2 अपान में आपका पावर आपका n और ये आपका 1 है। तो i इक्वल टू देखिए i की यहाँ देखिए सिर्फ आपका i बचेगा, i की पावर n इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए अगर n इक्वल टू हमने अगर 4 रख दिया तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर 4 तो आपका 1 हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन आपका है यही सेकेंड वाला आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आप क्या करिए, लिखा कि व्हाट इज ए रियल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस आपका 1-cos x^4, ये आपका आई इक्वल टू आपका रूट में आपका -1 दिया है। तो इसकी निकालनी है, काफी तरीका आपका यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है, जो आपका फार्मूला होता है आपका है cos x + आपका i x होता है, ये आपका होता है रूल में होता है, जब इसका इस तरह रहता है तो आपका क्या हो जाएगा, cos इस तरह हो जाता है आपका है और ये आपका इस तरह हो जाता है। तो इस तरह हम इसे बनाएंगे। यहाँ देखिए आपका ये आपका दिया है, यहाँ हमें इसमें i कॉमन लेंगे इसकी पावर हो जाएगी 4। अब यहाँ पर देखिए आपका साइन, ये आपका हो जाएगा cos x हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 1+, देखिए 1 नहीं सॉरी आपका प्लस, ये आपका 1/i हो जाएगा, ये आपका sin x हो जाएगा, अपान में आपका पावर आपकी 4 है। ये देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1, पीछे में बताए थे आप, ये हो जाएगा आपका cos x, ये आपका माइनस हो जाएगा यह और इसकी पावर आपकी 4 है। जो आपका ये रूल होता है इसमें यूज करिए, ये हो जाएगा आपका cos 4x, ये हो जाएगा आपका -i sin 4x हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि आपकी रियल वैल्यू बतानी है, तो रियल वैल्यू आपकी यही हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी, ये आपकी रियल पार्ट क्या हो जाएगा आपका है, ये रियल पार्ट आपका cos 4x हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन आपका देखिए थर्ड वाला सही है। ओके, इस पर भी वीडियो हमारी बन चुकी है, जाके देखिए बेहतरीन ट्रिक आपको मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका लिखा कि इफ x² + 1/x² = 11 देन द वैल्यू ऑफ x³ - 1/x³ की बतानी है। तो ये आपका होता है, देखिए आपका एक x वाला होता है, इस पर भी वीडियो हमारी बन चुकी है, इस जनरल वाले जो इक्वेशन आते हैं, देखिए 1+
क्या लिखा आपका, वो एक्स प्लस आपका वन अपान एक्स इक्वल टू आपका ए, ये आपका होता है ट्रिक वाला। तो ये आपका इस तरह होता है एक्स स्क्वायर प्लस आपका वन अपान एक्स स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर प्लस आपका टू। तो यहाँ देखिए आपका इसके इक्वल टू आपका कितना दिया, अलेवन, और ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका टू। इधर साइड आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अलेवन माइनस आपका टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका नाइन। नाइन का इसका लेंगे रूट कितना हो जाएगा आपका, ये आपका स्क्वायर, तो ये आपका थ्री हो जाएगा, हम पॉजिटिव लेंगे सिर्फ। अब यहाँ पर आप रख दीजिए जो आपका ये होता है, ये भी आपका ट्रिक का होता है, एक्स क्यूब माइनस आपका वन अपान एक्स क्यूब इक्वल टू आपका क्यूब प्लस आपका थ्री ए। तो यहाँ पर आप रखेंगे आपका थ्री का क्यूब प्लस आपका थ्री मल्टीप्लाई थ्री, ये हो जाएगा आपका 27, ये हो जाएगा आपका 9, इसको जब ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसमें जो ऑप्शन आपका फोर वाला सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसे भी हम लगाते हैं टिक द्वारा। लिखा कि द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट, क्या पूछा आपका, डायरेक्टिव पूछा है आपका है। तो यहाँ देखिए आपका है डायरेक्ट, कैसे निकालते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स आप पैराबोला, ये आपका लिखा वाई स्क्वायर प्लस आपका फोर एक्स प्लस आपका फोर एक्स प्लस आपका फोर वाई प्लस आपका टू इक्वल टू जीरो। तो ये आपका दिया है, पहले हम क्या करेंगे एक वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका हमने क्या कर दिया, इसका डेरिवेटिव करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में हम करेंगे, y के रेस्पेक्ट में, और x जो आपका है कांस्टेंट मान लेंगे, क्या मान लेंगे कांस्टेंट, यहाँ v गेट लिखिए। इसका करेंगे आपका 2y और ये हो जाएगा आपका 2y, और यहाँ पर देखिए आपका है सब आपका प्लस प्लस है, ये आपका देखिए जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, ये आपका 4 बचेगा इक्वल टू जीरो। तो y इक्वल कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस टू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस टू आ जाएगी। अब इसमें आप पुट कर दीजिए, हमें एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, इसमें जब आप पुट करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस टू का स्क्वायर प्लस आपका फोर एक्स प्लस आपका फोर मल्टीप्लाई माइनस टू प्लस आपका टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ देखिए जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, एक्स वैल्यू आ जाएगी आपकी जब इसे निकालेंगे थ्री अपान टू आ जाएगी, थ्री अपान टू आ जाएगी। जब थ्री अपान टू आ गई, ये आपका देखिए जनरल इक्वेशन होता है यह। तो यहाँ देखिए आपका है एक, सॉरी यहाँ जो एक्स की वैल्यू आएगी वन अपान टू आएगी, कितनी आ जाएगी आपकी, वन अपान टू आएगी, कितनी आएगी आपकी, वन अपान टू आएगी। अब यहाँ पर देखिए जो आप लगाएंगे, ये जो आपका फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू आपका माइनस ए होता है, और यहाँ पर जो है एक्स देखिए इससे हमें ए की वैल्यू निकालेंगे, इससे देखिए ए की वैल्यू इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पर जो आपका फार्मूला होता है कितना होता है आपका है फोर ए होता है, और ये आपका दिया है यहाँ पर देखिए आपका यहाँ दिया आपका है फोर ए, देखिए आपका वाई स्क्वायर है, तो आपका जो एक्स वाला कोफिशियंट आप लेंगे तो ये आपका ये हो जाएगा। तो इससे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, वन आ जाएगी। अब इसमें आप रख दीजिए ये एक्स जो आपका आया था, एक्स जो वैल्यू आई थी ये आए थे, अब इसे इस तरह भी हम लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा ये, और यहाँ पर आपका देखिए माइनस वन है आपका है, क्या आपका है माइनस वन है, यहाँ देखिए आपका माइनस वन है, यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर जो आपका देखिए यहाँ पर अगर आपका पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पर हम क्या लेंगे निगेटिव लेंगे, तो यहाँ आपका आपका निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक वैल्यू इसमें हम रख देंगे तो आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें देखिए जब इससे इस साइड ले आइए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वन प्लस आपका वन अपान टू, ये हो जाएगा आपका थ्री अपान टू। इसमें जो ऑप्शन आपका है ये फोर वाला सही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, इस पर भी वीडियो हमारी बन चुकी, जाके देखिए पैराबोला के। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन है आपका है, लिखा कि द वर्क ऑफ डाउन इन द आपका मूविंग, लिखा आपका है यहाँ देखिए आपका हमें एक दो पॉइंट आपकी दी गई है और एक आपका फोर्स दी गई है, हमें क्या निकालना है वर्क डाउन निकालना है, यानी W बराबर आप निकाल सकते हैं F और AB।
तो ए बी पहले हम निकालेंगे। तो ये आपका देखिए ए बी आपका दिया है, ए बी की वैल्यू और बी की वैल्यू, इसे ए बी की वैल्यू हम निकालेंगे। इस तरह निकालते हैं जो आपका ट्रिक फार्मूला होता है, इस तरह निकाल के हमें ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस वन माइनस थ्री जे प्लस आपका फाइव के, ये आपके आगे इसमें आप रख दीजिए। इसमें जब आप रखेंगे ये आपका ओमेगा बराबर या डब्ल्यू बराबर जो भी आप करेंगे, यहाँ देखिए ये आपकी वैल्यू कितनी आपकी है, ये आपकी एफ की वैल्यू है फोर आई माइनस आपका थ्री जे प्लस आपका टू के। अब इसे ब्रैकेट यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आपका होता है, इसे हम यूज करेंगे। यहाँ जब करेंगे देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस आई प्लस आपका देखिए थ्री जे प्लस आपका फोर फाइव के प्लस आपका फोर फाइव, ये आपका है। इसमें जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस फोर प्लस आपका नाइन प्लस आपका टेन, ठीक कितना आ जाएगा आपका फिफ्टीन यूनिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका फिफ्टीन। इसमें देखिए जो ऑप्शन जो आपका है ये फर्स्ट प्लस सही है। ओके चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन आपका है, लिखा कि इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर, एंगल हमें फाइंड करनी है। आपका लिखा ए प्लस बी एंड ए मल्टीप्लाई बी, ए क्रॉस बी भी कर सकते हैं इसे। देखिए ये आपका है डॉट प्रोडक्ट, यहाँ यूज करेंगे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या हो जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट से, यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई ए डॉट ए और यहाँ पर आपका क्रॉस है, क्रॉस यहाँ करिए ए क्रॉस बी और यहाँ पर आपका बी ए ये आपका दिया है और यहाँ पर जो आप करेंगे और यहाँ पर आपका क्रॉस है बी क्रॉस बी, ये आपका है बी क्रॉस बी। देखिए क्या है आपका है, जब यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई यहाँ पर आप करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए अपोजिट साइड है, ये आपका देखिए जब आप करते हैं यहाँ पर तो ए डॉट ए ये आपका वन हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, ए भी आपका वन हो जाएगा, ये आपका जीरो, ये आपका वन हो, ये आपका जीरो हो जाता है, ये आपका वन होता है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए भी जीरो, ए भी जीरो इक्वल टू आपका जीरो, इसमें ऑप्शन आपका फर्स्ट प्लस सही है। ओके चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी हम निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा कि इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस टू बी एंड फाइव ए माइनस आपका फोर बी आर परपेंडिकुलर, हमें एंगल ए एंड बी की निकालनी है। तो पहले क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई आप करिए, इसका देखिए डॉट प्रोडक्ट यहाँ लगाइए क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर आपका दिया है। देखिए क्या हो जाएगा आपका फाइव ए डॉट ए माइनस आपका फोर ए डॉट बी प्लस आपका टेन ए बी डॉट ए प्लस माइनस आपका एट बी डॉट बी। देखिए ये आपका देखिए ए डॉट ए दिया है और हमें पता है कि ए डॉट ए और बी डॉट ए इसकी वैल्यू वन होती है। अगर मान लीजिए ये आपका डिफरेंस होता है तो क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, जीरो होती है। तो जब जीरो होता है, जीरो नहीं होती है आपकी, सेम आपका होता है, ये दोनों आपका सेम होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसे आप मान सकते हैं ए डॉट बी, मान लीजिएगा ए डॉट आप भी मान लीजिएगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ए आपका फाइव हो जाएगा, इसकी वैल्यू वन होती है। अब देखिए आपका इसमें जब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये होगा आपका माइनस आपका सिक्स ए बी प्लस आपका माइनस आपका एट इक्वल टू जीरो। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए ये आपका, इसे देखिए आपका ये बिग है तो आपका इसी का लेंगे साइन, तो आपका पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ देखिए आपका हो जाएगा सिक्स ए डॉट बी, ये आपका माइनस इसमें बचेगा आपका माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ देखिए आपका ए डॉट बी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू हो जाएगा। और यहाँ देखिए ए डॉट ये आपका क्या हो जाएगा, ए इस तरह हो जाएगा आपका कॉस थीटा
वन अपॉन टू, इसकी वैल्यू क्या होती है, मार्ग में जो आपका दिया है इसकी वैल्यू वन होती है। तो कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन टू, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 60 आ जाएगी, यानी इसे हम पाई अपॉन थ्री भी कर सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन आपका फोर वाला सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका लिखा कि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये लिखा है कि आपका द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू आप लिखा वन प्लस एक्स, ये आपका काट एक्स लिखा, पावर आपका लिखा विल बी ए कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो इफ, हमें एफ जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये आपका होता है, ये आपका दिया है एक्स एफ एक्स बराबर, चाहे आपका पॉजिटिव चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड, हमने कर दिया है। तो ये आपका देखिए आपका सेम इस तरह है आपका है। तो यहाँ पर आपका अगर दिया है तो आपका एक रूल होता है आपका, एक ट्रिक वाला है। इसमें देखिए एम की पावर एन और ये आपका एस टेन टू ए ई की पावर, जब इसे करेंगे इसको सॉल्व तो आपका ई की पावर लिमिट एक्स टेन टू ए ये आपका एन और जो पावर आपकी यहाँ चली जाएगी ब्रैकेट में आपका वन माइनस वन हो जाएगा। तो सेम तरीका यहाँ पर यूज करिए। यहाँ देखिए जो आपका है ई एफ एक्स बराबर आपका दिया है वन प्लस एक्स की पावर काट, ये आपका दिया है। अब यहाँ पर देखिए आपका है जो आपका रूल है, यहाँ पर लिमिट लिखिए एक्स टेन टू जीरो, ये जो आपका जीरो करिए, यहाँ जगह जो पावर है यहाँ पर पावर यहाँ चली आएगी आपकी, ये आपका यहाँ पर माइनस वन करिए, देखिए यह माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, क्या लिमिट एक्स टेन टू जीरो ये हो जाएगा आपका, देखिए ए एक्स काट काट एक्स ये आपका है। तो इसे देखिए क्या हम लिख सकते हैं, ये आपका है, तो देखिए आपका लिमिट यहाँ पर लिखिए एक्स टेन टू जीरो और ये हो जाएगा आपका एक्स अपान, ये आपका टेन एक्स अपान टेन एक्स हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। और ये देखिए आप किस में है, ई की पावर में है, ये भी आपका ई की पावर में है, सब ई की पावर में है। तो यहाँ पर आप करेंगे देखिए इसका, इसमें देखिए आप एच जो आपका फार्मूला होता है एच वाला एच हॉस्पिटल वाला, इसमें यूज करिए, ये आपका जीरो जीरो फार्म में है, जीरो जीरो फार्म में है यहाँ पर, तो वन अपान आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका हो जाएगा, जब पुट करेंगे तो देखिए जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका वन अपान वन, तो ई कितनी हो जाएगी ई की पावर वन, यानी ई आ जाएगा आपका आंसर। इसमें देखिए ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही है। हमारी लिमिट की वीडियो अपलोड हो चुकी है, बेहतरीन ट्रिक की, आप जाके देखिए आपको 100% ज्ञान मिलेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन है आपका, है काफी अच्छा ये भी क्वेश्चन है। लिखा कि इफ एक्स वन एंड एक्स टू आर रूट्स आपका लिखा है ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस आपका टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब मतलब एक्स वन का क्यूब प्लस आपका एक्स टू का क्यूब इसकी निकालनी है। हम बता दिए थे इस पर भी वीडियो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बन चुकी है। तो देखिए अगर यहाँ पर आपका इसका स्क्वायर ये होता है, क्या होता है इसका स्क्वायर ये होता है, टू का स्क्वायर यहाँ फोर होता है, तब यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर अगर माइनस है तो आपका टू ओमेगा ये हो जाएगा आपका, आपका ये भी माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा टू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है एक्स वन और एक्स टू की। अब यहाँ पर आप रख देंगे, यहाँ पर आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका दिया है इसका क्यूब प्लस आपका इसका क्यूब टू का, अब यहाँ पर आपका माइनस ओमेगा का क्यूब प्लस आपका माइनस ओमेगा का क्यूब, देखिए क्या हो जाएगा, आप माइनस आपका एट और ये हो जाएगा आपका क्यूब प्लस आपका, देखिए आपका हो जाएगा ये आपका सिक्स हो जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू वन होती है, इसकी भी वैल्यू आपकी वन होती है, तो आप कितनी हो जाएगा माइनस आपका एट, इसका देखिए आपका जब करेंगे तो आपका वन प्लस वन ये हो जाएगा आपका, ये आपका जब ऐड करेंगे आपका टू हो जाएगा, इसमें आपका करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई कितना है 16 हो जाएगा, माइनस आपका 16 यही आपका आंसर है। इसमें देखिए ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला थर्ड वाला आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये आपका है,
ये आपका रूट में आपका दिया है, लिखा आपका टू, फिर रूट के अंदर आपका टू प्लस आपका रूट में आपका टू प्लस आपका टू कॉस एट थीटा, ये आपका दिया है। तो यहाँ देखिए आपका इक्वल करिए, यहाँ देखिए आपका जो आपका ये लास्ट वाला लिखिए आपका ये टू कॉस और ये आपका एट थीटा। अब देखिए यहाँ पर आपका टू कितनी बार आपका है, वन टू थ्री, ये बार खाली इसका आप लीजिए, इसका यहाँ पर करिए टू की पावर यहाँ पर क्यूब कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आप टू करिए कॉस एट थीटा अपान आपका एट, इससे देखिए आप कैंसिल करें तो आपका बचेगा टू कॉस थीटा। इसमें जो ऑप्शन आपका है, इसमें देखिए ऑप्शन आपका सेकंड वाला सही है। ओके, इस पर भी वीडियो हमारी बन चुकी है, जाके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ देखिए आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनाइट लिखा है और ये आपका ब्रैकेट में लिखा है एक्स प्लस आपका सिक्स और अपान में आपका लिखा एक्स प्लस वन, इसकी पावर आपका एक्स प्लस फोर। देखिए यहाँ जो पावर आपकी दोनों दोनों सेम में आपकी है, तब या अगर इस तरह कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए सीधे आप लिखे ई, जो आपका ये सिक्स है और जो अपान में आपका ये वन है, इसमें मल्टी माइनस कर दीजिए आप तो आपका हो जाएगा फाइव, यही आपका आंसर, इसमें ऑप्शन आपका ये वाला फोर वाला सही है। चलते हैं, इस पर भी वीडियो हमारी लिमिट की बेहतरीन बन चुकी है, जाके देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ये देखिए आप नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका है इंटीग्रल का है, इंटीग्रल लिखा है कॉट एक्स अपान आपका लॉग साइन एक्स लिखा है। अब ये कह रहा है इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, आपको पता है कि इसका जो अपान में है इसका डिफरेंस, इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसका आपका डेरिवेटिव ये होता है। जब इसका डेरिवेटिव आपका हो तो सीधे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लॉग लिखिए और यहाँ पर जो आपका अपान में है ये आपका लॉग साइन एक्स और प्लस आप सी कर दीजिए, यही आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ये देखिए आपका नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा एक क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायनेमिक्स का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखिए आपका थ्री फोर्स आपका दे दिया है, P इक्वल टू पी, Q इक्वल टू आपका 2P, R इक्वल टू आपका 3 और हमें यहाँ पर देखिए आपका इक्वलेटर एंगल लिखा है, यानी इक्वलेटर एंगल का ए बी सी तीनों आपका यह क्या होता है समबाहु त्रिभुज का तीनों का एंगल का योग कितना होता है, मतलब तीनों का एक तो 180 होता है लेकिन आपका तीनों एंगल कितना होता है आपका है 60 का होता है, यानी पाई अपान 3 का होता है। तो ये आपका होता है, सब आपका दे दिया, हमें इसका रिजल्ट निकालना है, एम्पलीट्यूड आपका रिजल्ट आपका फोर्स का। तो ये आपका फार्मूला होता है, इस पर भी वीडियो हमारी बन चुकी है, जाके आप लोग देख सकते हैं। इसमें देखिए सभी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए आपका पी सब इक्वल है, देखिए पी सब में इक्वल है, पी है पी हम कॉमन ले लेंगे, सब स्क्वायर में आया, देखिए आपका ये सब स्क्वायर में होगा, पी हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखिए आपका और कॉस, देखिए कॉस जो थीटा दिया है तो यहाँ पर आप जब रखेंगे ए बी और ए बी और बी सी और ये आपका कॉस सी ए, ये होता है कॉस पाई अपॉन थ्री का, ये आपका वन अपॉन टू होगा, क्या होता है आपका वन अपॉन टू होता है, स्पेस कम है इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। इस पर जाइए, हमारी वीडियो देखिए, उसमें आपको अच्छी तरह आपको आ जाएगा। तो देखिए आपका ये आपका वन प्लस ये आपका हो जाएगा, ये देखिए आपका पी यानी वन हो जाएगा, ये आपका टू का इसका फोर हो जाएगा और यहाँ पर देखिए आपका नाइन, ये आपका थ्री है, पी हमने बाहर कर दिया है और ये आपका माइनस ट्वेल्व अपान आपका वन अपान टू, इसका इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसका और यहाँ पर दो है तो आपका ट्वेल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका सिक्स अपान में आपका वन अपान टू, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये आपका देखिए आपका टू मल्टीप्लाई वन अपान टू हो जाएगा, वन अपान टू, यहाँ पर आपका दो बार एक बार और मल्टीप्लाई, ये टू वाला आपका है, देखिए आपका टू टू ये कैंसिल हो जाएगा, इससे करेंगे आपका थ्री हो जाएगा और इससे करेंगे आपका सिक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी इक्वल टू आपका
ये आपका वन प्लस है आपका फोर प्लस आपका नाइन, ये आपका सिक्स माइनस आपका थ्री, ये आपका हो जाएगा टू। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पी और रूट में आपका हो जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा फोर्टी, फोर्टीन माइनस आपका अलेवन, तो ये हो जाएगा आपका रूट में थ्री, यही आपका आंसर। इसमें देखिए ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही है। ओके चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका नेक्स्ट वाला लिखा कि द जनरल इक्वेशन ऑफ कोन सेकेंड डिग्री विच पासेस थ्रू इन द एक्सिस, ये आपका दे दिया है। तो इसमें देखिए आपका जो है, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप सीधे इसको मार सकते हैं, इसका कोई तरीका नहीं है अगर आपको याद हो तो। यहाँ देखिए आपका एफ एफ एक्स प्लस आपका जेड, ये आपका हो जाएगा वाई, वाई प्लस आपका जेड प्लस आपका एक्स वाई, जेड एच एक्स वाई इक्वल टू आपका जीरो, यही आपका होता है। इस पर भी हमें कोण की वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है, जाके आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी लिखा कि सीक्वेंस लिखा लॉग एक्स और लॉग लिखा एक्स स्क्वायर अपन वाई, और ये आपका लिखा वन कामा लिखा आपका लॉग एक्स क्यूब अपन एक्स स्क्वायर, ये आपकी हमें बतानी क्या है, ए पी है कि जी पी है कौन सी है, अब इसमें हमें बतानी है। तो देखिए सिंपल तरीका इसका है, इस तरह का कभी भी यहाँ पर आपको मिल जाए तो देखिए आपका पहले क्या जो आपका एक्स एक्स रहेगा, इसको देखिए आपको जो लॉग का नियम होता है इसको इस तरह बनाइए तो ये आपका आ जाएगा, और ये क्यूब वाले बनेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो देखिए ये आपका टी वन होता है, ये आपका टी टू होता है, ये आपका टी थ्री का, ये तीनों है आपका टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। तो ए पी चेक करने के लिए पहले हम ए पी करते हैं चेक, ए पी चेक करेंगे तो आपका देखिए क्या होता है, ये होता है आपका देखिए टी टू माइनस टी वन और टी थ्री माइनस टी टू, इसमें आप रख दीजिए। तो देखिए अगर रखें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका टू लॉग, जो लॉग का नियम है हमने इस तरह बना दिया है, पावर इस तरह चली आ रही है यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका एक्स, ये हो जाएगा आपका लॉग वाई, और ये हो जाएगा आपका माइनस आपका लॉग एक्स, ये देखिए ये आपका है, इक्वल करिए यहाँ पर थ्री लॉग एक्स माइनस आपका टू लॉग आपका वाई, और ये हो जाएगा आपका टू लॉग एक्स, और ये आपका प्लस ये आपकी वाई। देखिए यहाँ पर जब करेंगे इसका तो आपका इसमें से निकल जाएगा, यहाँ पर लॉग एक्स है, ये आपका टू एक्स है। देखिए क्या बचेगा आपका, बचेगा आपका लॉग एक्स माइनस आपका लॉग वाई, और इक्वल यहाँ पर आपका लॉग एक्स, यहाँ पर देखिए आपका सेम सेम यहाँ भी आपका बचेगा, ये आपका लॉग वाई, दोनों आपका इक्वल आ गया, तो ये आपका ए पी में ही होगा। ओके चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका ये लिखा है कि आपका ये भी लिखा कि द डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल लिखा है आपका ए बॉडी आपका फॉलोइंग, ये आपका जो रेस्ट आपका यहाँ लिखा है कि यू बराबर आपका जीरो होता है, और यहाँ देखिए आपका फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म हमें बतानी है डिस्टेंस, तो ये आपका फार्मूला होता है, इसमें हम रख देंगे आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप रखेंगे तो रख लीजिए, यहाँ देखिए यू बराबर आपका जीरो, तो यहाँ लेडी क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो बचेगा आपका हाफ, ये आपका जी टू एन माइनस वन, इसमें आप रख दीजिए। जब इसको आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए एन की वैल्यू क्या है आपकी, सेकेंड आपका दिया है आपका वन, रखें तो क्या हो जाएगा आपका हाफ जी और ब्रैकेट में आपका टू मल्टीप्लाई वन माइनस वन, ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा वो वन अपान आपका टू, ये आपका जी हाफ जी हो जाएगा। इसे सेकेंड वाला करेंगे क्या हो जाएगा आपका वन अपान टू, ये हो जाएगा टू मल्टीप्लाई टू माइनस वन, ये हो जाएगा थ्री अपान टू अपान जी, थ्री अपान टू इंटू जी। इसी तरह थर्ड वाले आप करेंगे ये वन अपान टू, ये आपका जी, ये आपका टू मल्टीप्लाई थ्री माइनस वन, ये हो जाएगा आपका फाइव फाइव अपान टू जी। हमें क्या बताना है, इसका हमें रेशियो बताना है, क्या बताना है हमें रेशियो बताना है। तो देखिए क्या करते हैं, इनका रेशियो
बताना है तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका देखिए एक्स वन और ये आपका एस टू रेशियो में है आपका। तो देखिए जो कांस्टेंट आप यूज करिए सब में आपका यही यूज करिए, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका वन अपॉन टू और ये आपका रेशियो वन अपॉन थ्री अपॉन टू, ये हो जाएगा आपका फाइव अपॉन टू। तो इसका देखिए ये दोनों आपका सेम सेम है नीचे, तो आपका गायब हो जाएगा, या आपका हो जाएगा वन रेशियो थ्री रेशियो आपका फाइव। इसमें जो ऑप्शन आपका है थर्ड वाला सेकेंड वाला आपका सही है। ओके चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन है, लिखा कि द एंगल ए बी सी इच कॉस ए इक्वल टू आपका साइन बी अपान आपका टू साइन सी, साइन बी अपान में आपका टू साइन सी, देन ट्रेंगल इच हमें बतानी है। तो यहाँ पर देखिए आपका है ये साइन वाला फार्मूला होता है, इसका हम यूज करेंगे। तो देखिए साइन का यहाँ पर आपका जब सिर्फ आपका साइन ये आपका दिया है, तो हम यहाँ पर ये आपका साइन है सिर्फ, हम इसका देखिए इसका मल्टी यहाँ आप के मान लीजिए ये होता आपका है, तो ये आपका सब दे दिया, ये आपका होता है दिया रहता है आपको, इसे आपको याद होना चाहिए, तब यहाँ पर आप रखेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। और यहाँ कास का हम फार्मूला यूज कर देंगे, तो यहाँ देखिए इसका फार्मूला पहले यूज करिए, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस आपका सी स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर अपान में आपका टू बी सी। अब यहाँ पर आप करेंगे आपका बी हो जाएगा टू का टू, देखिए टू के के बी हो जाएगा आपका, नीचे आपका टू के सी हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका के कैंसिल हो जाएगा, टू नहीं टू टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस आपका सी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू आपका यहाँ पर देखिए आपका बी, यहाँ पर आपका बी सी बचा अपान में आपका बी अपान सी बचा, इससे सी सी आपका ये कैंसिल हो जाएगा, सी सी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या बचेगा आपका बी स्क्वायर, ये बचेगा आपका इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका प्लस आपका सी स्क्वायर या आपका माइनस ए स्क्वायर, ये आपका बी बचा, बी बी आपका ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपका सी स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर इक्वल टू आपका जीरो, तो आपका सी इक्वल टू ए, इसमें जो ऑप्शन आपको सही है आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका ये इंटीग्रल का क्वेश्चन है, लिखा कि इंटीग्रल जीरो से वन टेन इनवर्स अपान एक्स, टेन इनवर्स एक्स अपान में आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपका दिया है। इसका भी सिंपल तरीका, अब जब इसका भी डिफरेंस इसका डेरिवेटिव ये हो रहा है, तो आप इसका देखिए इसका डेरिवेटिव ये हो रहा है, क्या हो रहा है आपका डेरिवेटिव ये हो रहा है नीचे वाला, इसका डेरिवेटिव ये होती है, आप सीधे क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स इसका, आप क्या करिए इसका इंटीग्रल हम कर देंगे, इसका हम इनवर्स डायरेक्ट करेंगे इसका, ठीक इसका करेंगे। देखिए इसको सिर्फ इसको मान लीजिए कोई भी एक्स टी मान लीजिए, इसका जो हम करेंगे क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ये हो जाएगा आपका स्क्वायर अपान है आपका टू, ये आपका यहाँ पर इसकी लिमिट आप रख दीजिए, ये आपकी लिमिट जीरो से वन दी गई है। जब लिमिट आप पुट करेंगे तो आपका टू कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पर जब लिमिट करेंगे तो आपका टेन इनवर्स ये आपका वन और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पर ये जीरो करेंगे तो जीरो का स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, ये होता है आपका है टेन इनवर्स वन की वैल्यू कितनी होती है, टेन इनवर्स वन की वैल्यू होती है पाई अपान फोर, तो ये हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका माइनस जीरो है। जब करेंगे आपका वन अपान टू, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा सिक्सटीन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर, देखिए आपका पाई स्क्वायर नीचे आपका इसमें मल्टीप्लाई आपका थर्टी टू आ जाएगा, इसमें जो ऑप्शन आपका है सेकेंड वाला थर्ड वाला आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका ये कह रहा है इन ए ग्रुप ऑफ ए थ्री पीपुल, यानी तीन सौ लोग में से पंद्रह, देखिए आपकी जो है डेढ़ सौ जो आपका है हिंदी बोलते हैं और दो सौ क्या है आपकी है इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, दोनों कितना बोलेंगे, अब पर आ कि दोनों कितना बोलेंगे,
तो इसका देखिए सिंपल तरीका, ये आपका फार्मूला होता है ये वाला, इसमें देखिए आप रख दीजिए, ये हिंदी का हो गया, ये इंग्लिश को है, ये दोनों बोलते हैं, मतलब दोनों मतलब टोटल होते हैं, ये टोटल आपका दिया है। तो यहाँ लिखिए आपका 300 लिखिए, ये आपका देखिए एच, ये आपका 150, और ये हो जाएगा आपका 200, ये आपका 150, ये आपका 300 दिया है, 300 आपका दिया, ये आपका दिया है, इसमें देखिए आप रख दीजिए, ये आपका हो जाएगा जो आपका दिया है, ये आपका प्लस कर दीजिए, ये आपका 200, ये आपका हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 300, और इधर देखिए इसको जब ऐड करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ये 350 हो जाएगा, और ये आपका माइनस आपका ये है एच इंटरसेक्शन ई। अब देखिए इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा -50, और ये हो जाएगा आपका माइनस दिया एन और एच इंटरसेक्शन ई दिया है, इससे आपका कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा एन इंटरसेक्शन ई, और ये हो जाएगा आपका 50, इसमें जो ऑप्शन आपका सेकेंड वाला सही है। ओके चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन है, देखिए ये लिखा कि फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, और यहाँ लिखा ए माइनस आपका लिखा है ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए और माइनस और ब्रैकेट में ए माइनस बी दिया है, तो ये आपका होता है। इससे देखिए लेट ए इक्वल टू आपका 1, 2, 3 मान लीजिए कर्ली ब्रैकेट में, और बी इक्वल टू आपका 2, 4, 5 मान लीजिए। अगर ए माइनस हम बी निकालेंगे तो ए की वैल्यू सिर्फ जो आपके ए की वैल्यू बी में ना हो उसी को हम लिखेंगे, तो आपका देखिए ए माइनस बी हो तो आपका 1, 3 हो जाएगा, और इंटरेस्ट देखिए सबका ए यूनियन जब बी निकालते हैं टोटल रहता है, लेकिन रिपीट वाला क्वेश्चन रिपीट वाली जो वैल्यू रहती है उसमें रिपीट वाले जो एलिमेंट रहते हैं और लिटिल जो एलिमेंट वैल्यू रहती है वो नहीं रिपीट, सिर्फ आपका सिंगल रहता है, एक ही रहेगा, और इंटरसेक्शन इसका निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी तो एक 2 हो जाएगा। तो देखिए सबका अब हमें क्या निकालना है, ये इंटरसेक्शन देखिए ऑप्शन जो मिला लीजिए, ये आपका देखिए ये सेम है, ये देखिए हमें निकालना है ए और ये आपका ए माइनस बी, तो ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी आपकी है, ये आपका 1, 2, 3 है, और इसकी जो आप निकालेंगे a माइनस बी का तो आपका कितना आया है 1, 3 आया है, 1, 3 आया है, तो इसका जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 बचाएगा जो सेम आपका नहीं जो रहेगा तो वही हम लेंगे, तो आपका 2 आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट में आपका 2 आ गया। अब देखिए इंटरसेक्शन इसका निकालेंगे, यहाँ 2 आया इंटरसेक्शन इसका, इसका चौथा ये ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखिए आपका लिखा कि इफ ए एंड बी एंड सी आर 3 वेक्टर लिखा है, और कह रहा कि सच दैट वे लिखा आपका है दैट ए प्लस बी इक्वल टू 0, देन हमें ए की वैल्यू 1 दी है, मार ए की वैल्यू 1 दी है, मार बी की वैल्यू 4 दी है, मार सी की वैल्यू आपकी 2 दी है, देन वैल्यू आप 2 8 ए डॉट बी प्लस आपका बी डॉट सी प्लस आपका सी डॉट ए इसकी निकालनी है, तो ये आपका दिया है इसके इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू आपका 0 दे दिया है, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड दोनों का हम स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका फार्मूला बनता है और ये आपका है, तो इसमें देखिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए ए की वैल्यू क्या है आपकी 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका 4 है, बी की वैल्यू आपकी 4 है और बी की वैल्यू आपकी 4 है और 2 की वैल्यू देखिए आपकी सी की वैल्यू ये मार में है, आप इस तरह भी मार में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका दिया है, तो इसमें देखिए आप रखेंगे क्या हो जाएगा मार एक बराबर आपका ए का स्क्वायर आपका है 2 का स्क्वायर हो गया, ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर, बी की वैल्यू आपकी 4 है और ये आपका 2 का स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, ये आपका प्लस आपका दिया है ए डॉट बी प्लस आपका बी डॉट सी सी डॉट ए इक्वल टू 0, तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका देखिए ये आपका हो जाएगा 4,
फोर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है जो आपका बचा है ए डॉट टू आपका है, ए डॉट बी प्लस आपका बी डॉट सी प्लस आपका सी डॉट ए इक्वल टू जीरो। यहाँ देखिए स्पेस कम हम यहाँ करते हैं, इसको जब ऐड करेंगे तो आपका 21 आ जाएगा। फोर देखिए आपका ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा वो आपका, देखिए ये आप जब इसको करेंगे आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ का आपका 2 है, ए डॉट बी प्लस आपका बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू जीरो। तो इसकी जब वैल्यू हम निकालेंगे क्या हो जाएगा आपका, ए 2 लिखिए, ए डॉट बी प्लस आपका बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू आपका इधर जब करेंगे इक्वल जीरो है तो आपका माइनस आपका 21 हो जाएगा। ये आपका 21 हो गया था, इसमें जो ऑप्शन आपका सेकेंड वाला सही है। इसको जब ऐड करेंगे तो आपका 21 हो जाएगा, और इसको जब इधर करेंगे तो आपका ये आपका 21 हो जाएगा। ठीक, दो तरीका है आप यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये आपका नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन लिखा कि ए सॉरी द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 15 20 एंड 25 रेस्पेक्टिवली। ये आपका मीटर में है, सब है किसमें है, मीटर में है। कह रहा है आपके रेडियस ऑफ इन सर्किल, इन सर्किल तो हमें आर इक्वल टू जो आपका होता है डेल्टा अपॉन एक्स होता है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले हम एस निकालेंगे, जो आपका एस वाला फॉर्म होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू होता है, इसमें हमने रख दिया। ये आपका ए की वैल्यू आपकी 15 है, बी की वैल्यू आपकी 20 है, और सी की वैल्यू आपकी 25 अपॉन में टू कर दिया। इसको जब ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, एस की वैल्यू आपकी 30 आ जाएगी, 30 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, एस बराबर निकालना है, जो एस की जो है ये आपका डेल्टा निकालना है, इसे हम डेल्टा लिख सकते हैं, ये सब आपका डेल्टा है। डेल्टा वाला जो फार्मूला होता है आपका ब्रैकेट में आपका होता है, रूट के अंदर आपका होता है, ए एस होता है, एस माइनस ए होता है, एस माइनस बी होता है, एस माइनस सी होता है। तो हमने इसकी वैल्यू आप रख दी, इसकी जब निकालेंगे आपका 150 आएगा, क्या आएगी आपकी 150 आएगी, यानी डेल्टा बराबर आपका कितना आ जाएगा 150। तो इसमें आप रख दीजिए, ये देखिए आपका जब करेंगे तो आपका 150 अपान में आपका 30 है, ये आपकी 30 है, इससे आप करेंगे तो आपका देखिए इसमें करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा आंसर, इसमें जो ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही है। ओके चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये देखिए आपका लिखा कि द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ द सर्किल ग्रुप ऑफ ए ऑर्डर, आपका ऑर्डर आपका 10 दिया, कितना दिया है 8 दिया, 10 नहीं दिया 8 दिया है, 8 दिया है, 8 का देखिए आपको क्या है, 8 जो आपका दिया यहाँ पर लिखा था 8 का, तो देखिए 8 को यहाँ पर कैंसिल करिए, यहाँ पर 8 लिखिए, इसकी पावर क्या है आपकी क्यूब है, क्या है आपकी है क्यूब है। जब क्यूब है तो इसका जब निकालेंगे हम क्या हो जाएगा, यहाँ लिखिए 8 और जो आपका ये 2 है इसे अपान में आप इस तरह कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे इससे आप करेंगे तो आपका 4, यही आपका आंसर, 4 आपका आ जाएगा, इसमें जो ऑप्शन आपका 4 सही है। हमारी ग्रुप की वीडियो ट्रिक वाली अपलोड हो रही है, जाके आप लोग देख सकते हैं बेहतरीन ट्रिक की। देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका है, लिखा कि द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ग्रेविटी लिखा आपका है, ए यूनिफॉर्म, ए आपका सेमी सर्कुलर लिखा है, लिमिका लिखा है, लिमिंडा लिखा आपका है, ऑफ द रेडियस ए फ्रॉम द सेंटर इच। तो देखिए आपका ये फार्मूला होता है ये वाला, इसमें देखिए क्या है ये वाला, एक्स इक्वल टू आपका है 2/3 ए साइन अल्फा अपान अल्फा। तो देखिए यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है, यानी यहाँ पर है थीटा के, मान लीजिए ये थीटा बराबर नहीं है, इससे अल्फा बराबर है, क्या है अल्फा बराबर, यहाँ पर जो होता है इस फार्मूला में ये π/2 होता है, क्या होता है आपका π/2, इसमें आप रख दीजिए आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका 2/3, यहाँ देखिए ए है आपका है, ए है यहाँ साइन π/2 कर दीजिए, नीचे आपका π/2 कर दीजिए। अब इसको जब देखिए आपका देखिए इसकी वैल्यू क्या है, साइन की
90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है। तो जो x बार बराबर आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, ये देखिए आपका 4a अपान आपका 3π आपका आंसर मिल जाएगा। इसमें जो ऑप्शन आपका है ये सेकेंड वाला सही है। ओके चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन है, अब मीन का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। लिखा कि इफ द मीन, ये आपका एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस एट इच, इसकी देखिए मीन कितने दिया, 11 दिया। देन हमें लास्ट टर्म का मीन बताना है, क्या लास्ट टर्म का, पहले हम एक्स की वैल्यू इससे निकालेंगे। तो हमने कहा ये फार्मूला आता आपका एक्स बार एक्स इक्वल टू आपका होता है समेसन एक्स अपान एन होता है। तो हमने ये टोटल इसको लिख लीजिए, जितना ये नंबर आपका है, देखिए 5 नंबर है, अपान में आपका 5 कर दीजिए, एन इक्वल टू आपका कितना है 5 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो इसको जब टोटल करेंगे तो आपका 5x प्लस 20 अपान 5, तो देखिए जब इसका करेंगे तो आप कितना आ जाएगा आपका एक्स प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू आपका 11, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अब लास्ट का 3 टर्म ले लीजिए, तो ये आपका लास्ट का 3 टर्म आपका यही है, तीनों जो इसमें यह आपका यह है, इसमें रखेंगे तो आपका पहला देखिए वैल्यू आ जाएगी 11, इसमें रखेंगे एक्स बराबर यहाँ पर आपका 7 तो आपका 11, ये आपका हो जाएगा 13 आ जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा तीनों। तो इसको आप देखिए हमें लास्ट टर्म का मीन निकालना है, तो क्या हो जाए आपका 11 आपका 13 प्लस आपका 15 अपान आपका 3 अपान आपका 3। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, इसको देखिए ऐड करिए, देखिए इसको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा आपका 15 अपान में आपका ये 3 अपान में आपका 3। देखिए यहाँ पर जो है इसको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, इसको जब ऐड करें तो आपका हो जाएगा ये, और ये आपका 35 हो जाएगा अपान 3, इससे करेंगे आपका कितना आएगा 13 आ जाएगा। इसमें जो ऑप्शन आपका है ये 4 वाला सही है। ओके चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका लिखा कि इफ ए प्लस आई, ए कैपिटल आपका ए लिखा है, लिखा ए प्लस प्लस आपका आई बी इक्वल टू आपका टेन एक्स प्लस आई वाई लिखा, हमें निकालना है टेन टू एक्स की। तो देखिए आपका ये होता है, ये आपका दे दिया है, इससे देखिए हम क्या करिए, ये आपका दिया है, इसे हम इनवर्स में बनाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे इनवर्स, तो ये आपका हो जाएगा इनवर्स में, तो एक्स प्लस हमें क्या, यहाँ देखिए हमें क्या निकाल, टू एक्स निकाल, तो इससे हम निकालेंगे इधर इधर करेंगे आप, एक्स प्लस आपका टू आई और इक्वल होगा आपका टेन इनवर्स ए प्लस बी आई बी, ये आपका इक्वेशन होना मान लीजिए, और इसे देखिए निगेटिव करेंगे तो आपका यहाँ भी निगेटिव, ये आपका टू मान लीजिए। अब ये दोनों को क्या करिए, अब ऐड करिए इक्वेशन वन इक्वेशन टू को, जब ऐड करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर बचेगा ये आपका देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 2x, यहाँ पर आप tan इनवर्स लिखिए और ये आपका इस तरह जो फार्मूला होता है यहाँ पर यूज करिए, ये आपका प्लस है और यहाँ पर देखिए आपका माइनस होता है और ये आपका प्लस, इस तरह एक ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस आई, ए प्लस बी आई बी और ये आपका माइनस आपका आई बी, ये आपका है। देखिए इससे देखिए आपका एक कैंसिल बच, कैंसिल हो गया, सिर्फ आपका देखिए आपका यहाँ बचेगा टू एक्स, यहाँ पर आपका टेन इनवर्स ये आपका 2a और नीचे देखिए आपका बचेगा, यहाँ पर आप करेंगे तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर, देखिए माइनस ना, जब यहाँ पर आपका यहाँ पर जब आई लिखा है तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 2x, यहाँ आपका टेन इनवर्स या आपका 2a अपान में आपका जब इसे ओपन करेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा ये दोनों। अब यहाँ पर देखिए हमें x क्या बताना है, हमें x की यहाँ देखिए जो आपका है हमें 2 tan मतलब 2x की वैल्यू बतानी है, यहाँ देखिए 2 लिखिए, tan लिखिए 2x
और जब इसका निकालना, देखिए क्या हो जाएगा आपका, इससे आ जाएगा 2a अपान में आपका 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर। इसमें जो ऑप्शन आपका है थर्ड वाला आपका सही है। ओके चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये वाला, ये देखिए आपका सीधे देखिए इसका ये फार्मूला होता है। हमें पूछा है कि टेन टेन ये आपका हार क्या है, आपका हाइपरगोलिक वाला क्वेश्चन है। टेन एच इनवर्स एक्स की हमें बतानी है, ये आपका हाइपरगोलिक का है। तो इसमें देखिए सिंपल तरीका इसका है, आप यूज कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट ही फार्मूला होता है आपका है टेन इनवर्स का। तो यहाँ पर आप सीधे से इसका यूज कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन देखिए ये आपका है, इसमें ये आपका अगर आपको इसको मालूम है तो आपका तुरंत आंसर मार सकते हैं, तुरंत इसका आंसर आप मार सकते हैं अगर आपको याद हो, क्योंकि यहाँ पर इसको इसमें आपको रटना पड़ेगा तब आपका आसानी से ये आपका याद हो जाएगा। क्योंकि हाइपरगोलिक की वीडियो जो हमारी है अपलोड हो चुकी है, जाके आप लोग देख सकते हैं और बेहतरीन ट्रिक आप हमसे ले सकते हैं। तो इसमें देखिए जब इसको हम सॉल्व कराएंगे इसका इसका, तो इसमें देखिए जो ऑप्शन जो आपका है ये इसमें थर्ड वाला आपका सही है। और इसमें देखिए जो आपका कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ये आपका दिया है मल्टीप्लाई। और इसमें देखिए आपका जो ग्रुप पूछा है ऑर्डर का, तो इसमें देखिए कितना ऑर्डर आपका है 1 2 3 4, तो आपका 4 मार दीजिए। ओके तो ये आपका है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि द एंगल टेंजेंट लिखा है टू द कर्व, ये आपका दो दे दिया कर्व एक्स वाई, और कह रहा है यहाँ पर टी की वैल्यू 1/2 दी गई है। टी की वैल्यू क्या दी गई है आपकी, 1/2 दी गई है। तो यहाँ पर क्या करिए, जो है ये आपकी एक्स वाई दिया, यहाँ टी की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, जो आपका ये दिया है, क्या दिया आपका, इसमें जब आप पुट करेंगे तो आप इसमें जब पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स वैल्यू 2a/5, और वाई में आ जाएगा देखिए वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/5 आ गई। अब इसमें क्या करिए, अब जो ऑप्शन में है इसमें आप रख देंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट वाले जो इसमें रखेंगे तो आपका देखने आ जाएगा फर्स्ट वाले ऑप्शन में चॉइस करते हैं, ये आपका हो जाएगा 26a/5, और यहाँ जो आप इससे करेंगे आपका 8/5, और ये आपका आया था 4a। इसमें देखिए जब ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 34/5 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका नॉट इक्वल टू आ रहा है। तो सेकेंड वाले चलिए सेकेंड वाले हम करेंगे, इसमें जो करेंगे आपका ये भी आएगा आपका 26a/5, ये हो जाएगा आपका, जब इसमें करेंगे आपका 16 अपान आपका 5, ये आपका है। यहाँ भी देखिए आपका ए था, और यहाँ पर देखिए आपका यहाँ भी ए कर दीजिए आप, ये आगे इसके इक्वल टू आपका 2a आना चाहिए। तो इससे करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये बचेगा आपका 10a/5, और देखिए इससे करेंगे तो आपका 2a आ गया। तो ऑप्शन आपका सेकेंड वाला ही सही है। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, उसके देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये आपका है, देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन है कि आपका इसको भी सॉल्व करते हैं आप इजी तरीका से। यहाँ पर जो आपका है नेक्स्ट वाला है, यहाँ पर जब आप रखेंगे देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट, ये आपका मूविंग लिखा पॉइंट आपकी ये दी गई है,
कह रहा कि लोटस इल इज द पैरागोला की हाइपरगोला क्या होगा, ये आपका दे दिया है। तो हमने क्या किया, इससे हमने टी की वैल्यू निकाला है। क्या निकाला, टी की वैल्यू हमने निकाला है। तो यहाँ पर देखिए, जब टी की वैल्यू हमें निकालना है तो क्या है, टी की वैल्यू हमें इससे निकालेंगे वाई से, और इसमें हम पुट कर देंगे। तो आपका एक्स ये हो जाएगा आपका टू, ये आपका वाई माइनस सिक्स अपान आपका देखिए फोर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका फोर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या बचेगा आपका एक्स, ये हो जाएगा आपका टू, ये देखिए आपका हो जाएगा, इसमें देख कॉमन ले लीजिए आपका कितना है, आपका सिक्सटीन हो जाएगा अपान में, और ये आपका फार्मूला यहाँ पे यूज करिए वाई स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 36, ये हो जाएगा आपका 12y, और ये आपका यहाँ देखिए आपका 4 है, 4 है। अब देखिए इससे करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसका, इसका मल्टीप्लाई इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 4x हो जाएगा, और ये आपका वाई स्क्वायर, ये आपका 36, ये आपका 12y, ये हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई आपका 32 हो जाएगा। अब देखिए बनाइए इक्वेशन बनाइए, ये आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका 36, और ये आपका हो जाएगा माइनस 12, और ये हो जाएगा आपका वाई, आपका वाई, और ये हो जाएगा आपका माइनस आपका 8x, और ये हो जाएगा आपका इधर जाएगा आपका इधर माइनस हो जाएगा, ये आपका 32 है, इक्वल टू आपका 0 है, इक्वल टू आपका 0 है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपका वाई स्क्वायर, और यहाँ देखो वाई ये लिखिए, वाई स्क्वायर लिखिए। अब देखिए यहाँ पर ये आपका माइनस 12, ये हो जाएगा आपका 8x, और ये हो जाएगा देखिए इसको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ करिए प्लस करेंगे तो आप कितना हो जाएगा देखिए, प्लस आपका हो जाएगा 68 इक्वल टू 0। तो ये देखिए आपका पैरागोला का इक्वेशन बना, इसमें जो ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला ही सही है। ओके, ये पैरागोला देखिए वाई स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 12x, यहाँ आपका 12y आपका है, यहाँ देखिए आई, ये आपका वाई यहाँ पर है, ये आपका देखिए ये है, और ये आपका 8, ये आपका 68 इक्वल टू 0, ये पैरागोला बन रहा है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला ही सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि इफ़ एक्स वन एंड एक्स टू का रूट हमें फाइंड करनी है, हमें बताना है कि एक्स वन का स्क्वायर प्लस आपका एक्स टू का स्क्वायर, ये आपका दे दिया डिटरमिनेंट में, आपका ये दे दिया है। यहाँ डिटरमिनेंट पर हम क्या मानेंगे, यहाँ देखिए हम पुट करते हैं, दो वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हमें इसके इक्वल टू जीरो बताना है। पहले वैल्यू हम क्या करेंगे, माइनस वन इसमें पुट करेंगे। जब देखिए माइनस वन हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका फोर, ये आपका 20 हो जाएगा, और यहाँ आपका वन, ये आपका माइनस टू, ये आपका फाइव, यहाँ जब करेंगे यहाँ पुट करेंगे माइनस वन, तो ये आपका हो जाएगा वन, ये आपका माइनस टू, ये आपका फाइव। तो देखिए आपका डिटरमिनेंट पे मालूम हुआ कि दो रो या दो कॉलम अगर इक्वल होता है तो इसमें देखिए आपका आर टू आर आर थ्री का आपका इक्वल, तो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका माइनस वन हो गया। अब टू इसमें रख दीजिए, जब आप टू इसमें रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका वन फोर, और ये आपका 20, और ये आपका वन, ये आपका माइनस टू, इसमें रखेंगे इसे देखिए आपका इस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका फोर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस टू का स्क्वायर करेंगे इसमें मल्टीप्लाई आप 20 हो जाएगा। इसमें देखिए आपका आर वन इक्वल टू आर थ्री है, तो ये भी आपका इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आपका प्रूफ हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एक्स वन का स्क्वायर प्लस आपका वाई, एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर, ये आपका माइनस वन का स्क्वायर, ये आपका टू का स्क्वायर, ये आपका वन हो जाएगा, ये आपका फोर, यानी इक्वल टू आपका फाइव। इसमें जो ऑप्शन आपका यही वाला सही है। ओके, तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए। हमारी बहुत से वीडियो अपलोड हो चुकी है और अब बहुत से होने वाली है, जाके देखिए, बेहतरीन ट्रिक आपकी डिटरमिनेंट की मिलेगी। तो आज हमने 51 तक क्वेश्चन लिए हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारी इसकी बन जाएगी, इसके वाले क्वेश्चन का
ये आपका जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है टीजीटी पीजीटी सॉरी टीजीटी 2021 का सॉल्व हम कर रहे हैं टिक के द्वारा। सारे क्वेश्चन हम टिक के द्वारा अपलोड करेंगे। आप लोग को अच्छा लगे तो बहुत होगा कि आपको समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी आज की तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, धन्यवाद।